हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रूपा एंड वेलकम टू लर्न विथ रूपा डीएलएड में। तो आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे, मैथ्स और मैथ्स का पैडागोजी क्वेश्चन 1 फरवरी 2023 का। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदू अरबी संख्यांक प्रणाली में कितनी 3 अंक की संख्याएं हैं क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? हिंदू अरबी संख्या में 3 अंक का जो संख्या होता है वो कितना होता है? 100 से लेकर 999 तक। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? 3 अंक का सबसे बिग नंबर है ना, बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 999। और 2 अंक का जो है, 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 99। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 009। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 98989898 को 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल होगा कितना? पहला ऑप्शन है 1111, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा ऑप्शन है 10 10 10 और 1 इस तरह का है। और 4 ऑप्शन है, इसका भी है 10 11 0 1। तो इसमें से कौन सा होगा? हम लोग इसको क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, भाग दे के देखते हैं कितना आता है। सो इसका तो 98 को हम लोग कितना से? 98 98 98 और 98 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 98 का 98 एक बार में, फिर ये कैंसल हो जाएगा है ना, फिर यहाँ पे ये भी कैंसल, फिर 9। तो ये जो है 98 बार में 9 तो जाएगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और फिर हम लोग 98 करेंगे। तो फिर 91, 98 का कितना हो जाएगा? फिर से 98, फिर से कैंसिल हो गया। फिर से हम लोग अब इसका ये करेंगे 99। तो इसका भी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग 0 यहाँ लगाएंगे और फिर से 98 करेंगे। तो फिर से यहाँ 1 बार में 98, ये भी कैंसिल हो गया। फिर से हम लोग 9 ये करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2, फिर से यहाँ पे 0 हम लोग लगाएंगे। फिर कितने बार में हो जाएगा ये? 98। तो फिर ये 1 बार में 98 कैंसल हो जाएगा पूरा। तो कितना आया हमारा आंसर? 1010101। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3। ये हो गया इसका फर्स्ट का, ये सेकंड और ये इसका थर्ड का और ये इसका 4 का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? 3 घंटे क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती है ना। यदि 3 घंटियाँ प्रातः 7:15 एक साथ बजती है तो वे फिर एक साथ कितने बजे बजेंगे है ना, कितने बजे वो फिर से एक साथ बजेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी को पहले हम लोग एलसीएम देंगे, तो कितना बार में ये आएगा? कितना बार में ये जा रहा है? जा रहा है तो पहले हम लोग छोटा संख्या से ही देते हैं। 10 × 12, 10 × 20, हम 2, 2 × 8 = 16 है ना। फिर से ये जाएगा 2 से, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 9 × 2 = 18। फिर ये जाएगा कितना में 3 का 3 × 3 5, 3 × 3 = 9, इतना बार में जा रहा। अब तो ये नहीं जाएगा, अब क्या है 2 × 2 × 3 × 5 × 3 करेंगे। तो 5 × 3 इज इक्वल टू करेंगे है ना। 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 12, 12 × 25 = 60, 60 × 3 कितना हो गया 180। इतना हमारा हुआ मिनट है ना। तो 180 मिनट में हम क्या करेंगे इसको, ये कितना बार में ये होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 9:45 AM, दूसरा है 10:15 AM, तीसरा है 10:30 AM और चौथा है 10:45 AM। तो हम लोग का जो था 7 है ना, 7:15 मिनट है ना। उसके बाद से हम लोग करेंगे तो ये 180 मिनट तक, तो 1 घंटा में कितना 60 मिनट होता है ना। तो हम लोग तो 6 या 3 से हम लोग कर देंगे इसको गुना, तो कितना होगा 6 या 18 आ जा रहा है, मतलब 3 घंटा में। तो 7:15 से हम लोग 3 घंटा हम लोग इसको करेंगे, तो कितना होगा 7:15 है ना। फिर कितना हो जाएगा 8:15, फिर होगा 9:15, फिर हो जाएगा 10:15। तो 10:15 में जो हमारा राइट आंसर है ए है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 10:15 हो गया है ना। 3 घंटा 180 मिनट का 3 घंटा हो गया 10:15, 7:15 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, चौथा है क्वेश्चन नंबर 4 है, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। ऐसी कौन सी संख्या है ना जिसको हम विभाजित, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिसको भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कुछ 38 लिख लेते हैं और 0 से करते हैं। तो 0 को हम लोग अगर देंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा है ना। और अगर हम लोग 38 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 83, मतलब ये सब से जा रहा है। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जिसे हम भागफल नहीं दे सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो वह संख्या से विभाजित होगी है ना। तो 3 जो है संख्या है ना। 3 का गुणज क्या क्या होता है दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे। 3 का गुणज क्या क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा है ना। ये सारे क्या है 3 के गुणज हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि ऐसी संख्या जो विभाजित नहीं होगी। तो 3 का गुणज हमारा क्या क्या हो जाएगा, 3 का गुणज 3 है, 6 है, 9 है, मतलब 9 है ना, 9 है और 12, ये सब और भी होंगे तो हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे 3 का ही योगफल ये बोला है ना। तो अगर हम लोग 3 से ही हम लोग इसको हम लोग ये कर सकते हैं ना। तो जो हमारा ये है कटेगा, ये कैसे 18 हो जाएगा अगर हम लोग तीनों को लेंगे तो, है ना। 9 दूना 18 इज इक्वल टू इधर हम लोग 12 लिख लेते हैं, है ना, 9। तो जो है 9 हमारा है वो 9 किसी, कभी कभी होता है कि 9 जो है हमारा सभी संख्या से नहीं जाता है, लेकिन जो है 3 है, 3 वो हमेशा ही वो 3 अंक के संख्या से वो कटता है, 3 अंक का 3 से। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2 3 आएगा, है ना। तो यही इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन से दो भिन्न समतुल्य हैं? समतुल्य तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि हम दोनों ही क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं सेम यहाँ पे कौन आ रहा है, 1/4 ऑप्शन नंबर 1 में, और 2/4 दूसरा में है, 2/3 और 1/3 तीसरा में, 5/2 और 2/5 और 4 में है, 4/3 और 8/6। तो अगर हम लोग 4/3 और क्या 8/6 को लेंगे, है ना, तो ये क्या होगा, ये सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4×2 = 8 हो जा रहा है और 3×2 = 6, तो ये दोनों ही क्या है, सिमिलर। तो इसलिए हमारा जो समतुल्य इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, है ना, हाँ। निम्नलिखित में से किसकी लागत जो है अधिक है? पहला है 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 350, और दूसरा है 250 पैकेट, प्रत्येक पैकेट जो है रुपया कितना है, 350। तो 25 दर्जन, है ना, तो दर्जन कितना होता है, 12, है ना, 12 वस्तु कुछ भी रहेगा 1 दर्जन, और कितना है 350 रुपये, है ना। और क्या है 225, अगर हम इसको तोड़ के लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो खुद ही पता चल रहा है कि किसकी लागत अधिक है, क्योंकि ये और ये सिमिलर है, ये और ये भी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ 12 है और यहाँ पे 10 है, तो ज़्यादा कौन हुआ, 12 ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2750 ml, है ना, 2750 ml है। तो इसको हमें तोड़ के अगर हम लिखेंगे तो कितना होगा, 2000 क्या होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml, है ना। तो यहाँ पे हमें 2 लीटर, है ना, तो 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर, है ना। तो इसी तरह से, और फिर यहाँ पे क्या दिया है, 750 तो ml में ही है, तो इससे अगर हम जोड़ेंगे ये दोनों को तो कितना आएगा, 2000, है ना, 750 ml। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 लीटर, ऐसे लिख सकते हैं 2 लीटर 750 ml, इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 बजे चलकर कहाँ पे, एर्नाकुलम जंक्शन, 3 अगस्त 2021 को 7:30 बजे, है ना, पहुँचती है। भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय कितना है, कितना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे निकालें 28 अगस्त का, है ना, 28 अगस्त का कितना बजे ये पहुँचा, 16:35 में। तो हम लोग 16 को हम लोग क्या बोलते हैं, जो रेलगाड़ी में होती है वो हमेशा कितना 24 घंटे का होता है, और हम लोग का जो नॉर्मल घड़ी होता है उसमें कितना 12 घंटा का ये होता है ना। तो ये लोग में 24 घंटा का होता है, तो 12 बज के जब हम लोग का 1 बजेगा तब इन लोगों को कितना बजता है, 13 बजता है ना। तो 13 हो गया, 1 बजेगा तो 13, और 14 बजेगा तो 2 बजेगा तो 14, है ना, 3 बजेगा तो 15, और 4 बजेगा तो 16। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4:35, ये हो गया। और फिर जो हम लोग कितना 30 अगस्त तक का निकालेंगे, तो 28 अगस्त को ये 4 बज के मतलब 16:35 से मैं ये क्या करती है, चलती है। और तो उसके बाद हम लोग 29 का भी निकालेंगे, 29 अगस्त का। अगर हम लोग 16:35 का ही ये करें तो कितना हो जाएगा, दोनों का 24 आवर, है ना, 24 आवर हो जाएगा, 24 घंटा। 24 घंटा इधर हो गया हम लोग का। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 24 घंटा हो गया, और फिर अगर हमें फिर से एक दिन अगर 30 अगस्त को अगर हमें करना हो, अगर हम इसे इस 24 घंटे के घड़ी में हम लोग 12 का ये करें, तो अगर हम लोग 24 में, है ना, 24 घंटे में अगर 16 को अगर हम लोग क्या करते हैं, 16:35 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से हम लोग को 5 तो 80 हो जाएगा, है ना, 80 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ 5 7 में से, तो इसका जो है टोटल कितना आ जाएगा, 60 होगा यहाँ पे ना, 60 में ये होगा ना, 60 यहाँ पे जाता है घंटा को, अगर हम मिनट में ये करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। हाँ, तो 60 में से अगर हम लोग 35 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 5, यहाँ पे कितना 5 में 3 2, हाँ, तो 25 ये हो गया। और यहाँ पे कितना बच गया हमारा, 23, है ना, 23 में से अगर हम लोग 16 को ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग को 7 घंटा यहाँ पे बचेगा। तो इसका कितना हो गया, 7 घंटा 25 मिनट हो गया। तो अब हम लोग सभी को ऐड करेंगे। इसका कितना था, 24, इसका हो गया, और यहाँ पे कितना था, 7 बज के 30 ना, 7 बज के 30, हाँ, 7 बज के इसका हो गया, ऐड करेंगे 7 बज के 30, और एक कितना था, हाँ, 7 बज के 25, सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 5 हो गया, इसका भी 5, और इसका हो गया 2 14 14, 18 का 8, 1 2 और एक 3, तो यहाँ पे हो गया टोटल आपका 38, है ना, टोटल हो गया 38 घंटा 55 मिनट। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल कितना है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी। त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जो एक वर्ग का जो तार है ना, इस तरह का एक तार है, इसका जो है परिमाप है ना पूरा। हाँ, परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप जो है टोटल दिया हुआ है 484 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग परिमाप कैसे निकालते हैं? ए है ना, ए है, इसका ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर परिमाप हम लोग निकालते हैं ना। तो इसका जो है टोटल कितना है? इसका 22, इसका भी 22 हो जाएगा, इसका परिमाप और इसका भी 22। तो सभी मिला के जो हमारा कितना होगा परिमाप, इसका 88 हो जाएगा। उससे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं। परिमाप कितना दिया हुआ है 484 और ए स्क्वायर। इसको अगर हम लोग ए निकालेंगे है ना, रूट में इधर हम लोग करते हैं ना, रूट अगर इसका हम लोग हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? रूट ऐड हो जाएगा। इसका हम लोग रूट निकालेंगे। मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ जैसे सभी को समझ में आ जाए ना। तो ए स्क्वायर इसका रूट आप लोग को तो निकालने आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ इसको भी, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। चलिए, तो इसका जो रूट आप लोग निकाल लीजिएगा है ना, आता ही होगा। नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से कर देती हूँ। 484 इसका अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो क्या होगा? हमें इससे 2 का कॉमन लेना है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 बार में ये जा रहा है, 2 2 ज़ा 4 है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया है ना, कट के, सॉरी 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 हो गया। अब ऐसी संख्या हमको यहाँ पे लेना होगा जिससे क्या हो, 84 हमारा कट जाए। तो 42 अगर हम लेंगे तो 2 बार में जितना हम किए 42, तो हमको 2 से ही ये करना है ना। अगर हम 43 से लेंगे तो हमको 3 से ही करना है। तो हम 42 से लेंगे तो कितना? 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो 84 आ गया है ना। यहाँ पे 2 बार में, तो इसका जो है कितना आ गया? 22 इसका रूट आ गया, आंसर आ गया रूट का। ये आपका निकल गया। अब हम इसका परिमाप करते हैं। परिमाप इसका क्या हो जाएगा? परिमाप चारों तरफ की इसकी जो है, चारों को ही ना हम लोग ये करके हम लोग ये करते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो इसको 4 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 88 है ना। उसके बाद क्या किया था? इस स्टील को तार को मोड़ के एक वृत्त बनाया। तो वृत्त बनाया तो क्या हुआ? तो वृत्त की त्रिज्या, इसकी परिधि हो गई ना, परिधि क्या होता है? 2πr है ना। तो त्रिज्या तो इसके दी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं? वृत्त की परिधि कितना होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। यहाँ पे जगह कम हो रहा है दोस्तों है ना, तो 2πr हो गया। तो इसका वृत्त की परिधि जो हम लोग कितना निकाले थे पूरा, ये का जितना इसका परिमाप था वही इसका परिधि होगा। तो कितना है इसका? 88 हम लोग निकाले थे और 2π का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, 22/7 गुना r हमको निकालना है त्रिज्या है ना। तो क्या हो जाएगा फिर? 88 है ना, 88 ये भागा में है तो ये गुना में आ जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा इसका? 2 इंटू 22 इज इक्वल टू, इसको हम लोग कट करेंगे है ना, 22 चौके 88 है ना, और ये जो हमारा 2 2 4, तो यहाँ पे कितना है 2 और ये 7, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, कितना हो गया इसका टोटल, आर कितना आया, आर इज इक्वल टू 7 दूना 14, राइट आंसर है ना, तो 14 इसका आंसर हो गया, आर इज इक्वल टू 14। गिजबिज हो गया दोस्तों, आप लोग थोड़ा ये कर लीजिएगा है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रेरणा जो है, प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया, उन संख्याओं को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं ना, तो ऐसी संख्या आपको लेना है जो जिसको हम कैसे भी हम लिखें, 180 डिग्री में हमको लिखना है ना, 180 डिग्री में, तो वो संख्या जो है उसी प्रकार से रहना चाहिए। जैसे कि अभी हम 3 को लिखेंगे ना, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं अगर हम, तो इसका जो है उसी प्रकार से, तो ये नहीं रहा, चेंज हो गया। 5 को भी, 5 अगर हम ऐसे और 5 को लिखेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा है ना, तो ये भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे 6 भी अगर हम लिखते हैं, 6 है ना, 6 अगर हम लिखते हैं तो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से, और 9 को अगर हम लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसे है ना, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा है ना। और अगर हम 4 को लिखेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी चेंज ही हो जाएगा, लेकिन 0 को हम घुमाएंगे फिर भी ये क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। और 8 को भी अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये भी ऐसे ही रहेगा है ना, इसका चेंज नहीं होगा। तो 0 और 8 इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 5 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या ज्ञात करना है ना, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसका 5/3 बोला है ना, 5 का पहले हम लोग निकाल लेते हैं, 5 का समकोण कितना हो जाएगा, 5 × 90 कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 है ना, इतना हो गया। अब 1/3 का हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 5 3 8 और ये 4, तो 480 हो जाएगा ना, तो ये राइट ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है, ये वाला आना ही है। 40 क्वेश्चन नंबर 13। पैटर्न तो एकदम VVI है, ये ना आए मतलब कि हो ही नहीं सकता है ना, VVI। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 1 है 6 है 15 है 45 है 66 है और 99 है ना, तो इसको हम लोग पैटर्न में एक रामबाण तरीका है, क्या कीजिएगा, ये इसका कितना डिफरेंस है, ये इसका 5 का डिफरेंस है ना, सॉरी 5 का डिफरेंस है 1 से 4 तक है ना, तो ये इसका जो है 5 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 6 से 15 तक कितना का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा है ना, 9 × 15। अब ब्लैंक्स कहाँ पे, यहाँ पे है ब्लैंक्स ना, अब यहाँ से कितना होगा है ना, यहाँ से 15 में से, और हम लोग यहाँ पे कितना हम लोग कर लेके यहाँ पे जो होगा, तो इसका अभी हमें पता नहीं है, अब यहाँ से हम लोग करते हैं, इसका ये नहीं है, यहाँ पे होगा तभी ना इधर होगा। तो अगर हम लोग 45 और 66 के बीच का अगर डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा 21 है ना। और 66 और 91 का अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे जो है कितना कितना हुआ, तो हम लोग यहाँ पे अगर 4-4 का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है देखिए है ना, 1 से 5 तक में है ना, 1 से 6 हाँ। तो 1 से 6 तक में अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है 4 का, सॉरी 5 से 9 तक का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना का 4 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम लोग हर जगह से 4 ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 4 ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 में अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जा रहा हो जाएगा इसका है ना 9-6। यहाँ पे 9 और 6 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जा रहा है 15। और यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 5 और 1 का अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ 6 हो जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे 13 और यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा 17 को अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा। इसमें भी अगर 13 और 17 ये भी है 4 का डिफरेंस है ना, है ना 13 और 4 ये भी है 4 का डिफरेंस। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा 28 है ना 28। यहाँ भी इसी प्रकार से 4 का ही डिफरेंस है, सभी जगह पे 4 का ही है ना, 4 का ही डिफरेंस। 21 में 4 ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो पैटर्न का यही है कि सिमिलर आना चाहिए है ना, जो भी आप उसमें ऐड करेंगे वो सिमिलर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 4-4 का डिफरेंस सिमिलर हो गया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 28 है ना। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य जो है नीचे तालिका में दिए गए हैं। रेल का है और क्या है, रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ स्टेशन A से D तक जाना है, उसे इन 3 टिकटों के लिए कितनी राशि देनी होगी। तो हम लोग इसका कैसे निकालें, 3 A से D तक हम लोग को करना है, कहाँ से, यहाँ से A से लेकर D तक। तो D हमारा यहाँ है तो इसका कितना A से हमें D तक निकालना है। तो D का जो है कितना है 49.50 है ना। तो हमको 3 ये का निकालना है। तो अगर हम लोग 49 को है ना 49 मतलब कितना 49 रुपया 50 पैसा है ना, इतना को अगर हम लोग 3 से अगर हम लोग करते हैं इनटू है ना तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 148.50। ये आप लोग कर लीजिएगा है ना, गुना में डायरेक्ट में करके कर देती हूँ। तो 185/50 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से बनाइएगा निकल जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 6 बच्चे हैं ना, 6 बच्चों ने अपनी लंबाई मापी और जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। तो कितना कितना इन लोग का नंबर लंबाई एक बार हम लोग लिख लेंगे इस तरह से, सुविधा होगा। 109.0 है ना, दूसरा है 114.7, तीसरा है 102.9 और क्या है चौथा 99.7 और क्या है 112.2। तो सभी को ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा ये आप लोग का HW है ना। तो ऐड तो कर ही लीजिएगा, ऐड करके हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 108.0 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब हम लोग इसका पेडागोजी सेक्शन देखेंगे। तो क्या है, पहला है इसका बहुत सारे गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है, पहला है जॉर्ज पोलियो, दूसरा है डेविड वेहलर, तीसरा है हेनरी पॉइनकेयर, चौथा है श्रीनिवास रामानुजन। तो इसका जो है, ये जो बोले हैं, ये कौन बोला है? डेविड वेहलर है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछा आपके पास 9 सेकंड है ना, और आपको इसमें से 9 दाहाएँ निकालनी है। आपको कितनी संख्या प्राप्त होगी? एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया मुझे 0 है ना, 0 मिलेगा। विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल हो सके इसके लिए अध्यापक को प्रश्न को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था। दूसरा है विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। तीसरा है अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्तर खोज पाने की प्रक्रिया समझाने के लिए कहना चाहिए और तदनुसार उपचारात्मक युक्ति की खोज बनानी चाहिए। बिल्कुल सही है। हमें क्या करना है कि बच्चों को पहले खोजने के लिए बोलना चाहिए है ना, उसके बाद उस युक्ति की योजना बनानी चाहिए। तो और चौथा क्या है, अध्यापक को सही प्रणाली देते हुए प्रश्नों का हल श्यामपट्ट पर प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 200 है ना, 200 में से कितना 135, 200 माइनस 135 को घटाने के लिए कहा गया, तब एक विद्यार्थी जोर से बोला, क्या बोला? 140, 145, 150 और 200 माइनस 150 बराबर कितना 50 है। तो यह 50 + 15 इज इक्वल टू कितना हो गया? 65 हो गया। इसलिए 200 - 135 इज इक्वल टू 65 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी ने प्रश्न को हल करने के लिए एक वैकल्पिक युक्ति का प्रयोग किया है जो कि विद्यार्थी के अवधारणात्मक समझ को दर्शाती है। यहाँ पे कोई युक्ति तो इसने, हाँ युक्ति तो लगाई है। दूसरा और क्या है, यह एक अस्पष्ट कलन विधि है। कलन विधि तो रटंत विधि तो नहीं है ये, जो दर्शाती है कि विद्यार्थी के पास कोई अवधारणात्मक स्पष्टता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा है विद्यार्थी ने प्रश्न हल करने के लिए तुक्के भिड़ाकर प्रयास करने की विधि का उपयोग किया है। तुक्के तो ये भी नहीं लगाया है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है विद्यार्थी दुविधा में है और इसलिए योग्य अवधारणा का उपयोग करके व्यकलन की समस्या को हल कर रहा है। दुविधा में भी ये नहीं है, वो तो डायरेक्ट स्पष्ट कर रहा है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 4, पैडागोजी का 4। गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए दिए है ना, क्या दिया है कि 27 प्लस ब्लैंक्स, अगर हम यहाँ पे 42 लिख दें है ना, तो ये प्लस 9 इज इक्वल टू 42 प्लस 9 प्लस यहाँ पे 37, तो ये कौन सा, ये हो गया। अगर हम इसको इस तरह से कर दें है ना, इस तरह से, और ये हो गया इसका, तो ये क्या होगा, ये दोनों सिमिलर हो गया और ये इस तरह से। तो यहाँ पे किस विधि का कर रहा है, उपर्युक्त प्रश्नों के माध्यम से निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का शिक्षण किया जा सकता है, किसका यहाँ पे ये किया जा रहा है। पहला है समीका का, दूसरा है समानुपातिक का, तीसरा है स्थानीय मान का, चौथा है योग का सहचारी नियम, और पांचवा है इसका प्रतिरूप पैटर्न। तो यहाँ पे समीका जो है फॉलोइंग कर रहा है, ये देखिए इस तरह से, और समानुपातिक, समानुपातिक तो यहाँ पे है नहीं, स्थानीय मान, स्थानीय मान है यहाँ पे स्थानीय मान, और क्या योग का सहचारी नियम, ये भी नहीं है, प्रतिरूपक पैटर्न। तो यहाँ पे क्या क्या है, ए हो गया, डी हो गया, रे, बाकी ये दोनों रॉन्ग है, स्थानीय मान नहीं है, ना ही समानुपातिक है। तो इसका जो राइट आंसर कहाँ पे मिल रहा है, 4 में, ए डी ई इज द राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हरजोत को लगता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन हेले के ज्यामितिक चिंतन के किस स्तर पे है। वैन हेले, वैन हेले है ना, इट इज द, ये क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, क्या भी आई है। तो ये वैन हेले से क्वेश्चन आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किस एक बच्चा है हरजोत, उसको क्या लगता है, हरजोत है ना, उसको क्या लगता है कि वर्ग जो है एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। तो वैन हेले के वो किस स्तर पे है, पहला है स्तर 0 में है दृश्यकरण, दूसरा है दृश्यकरण तो कब का ये कर चुका है ना, दूसरा है स्तर 2 में विश्लेषण, तीसरा है स्तर 2 संबद्धता, और चौथा है स्तर 0 और 1 दोनों ही। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो कि यहाँ पे संबंध रिलेशनशिप स्थापित कर रहा है कि एक वर्ग जो है क्या हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है और एक आयत भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलेशनशिप ऐड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पेडागोजी का। निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है, पहला है गणितीय चिंतन का विकास, दूसरा है संख्याओं को पढ़ना और लिखना, तीसरा है आकृति का आरेखन, चौथा है दैनिक जीवन में मापन करना। तो जो निपुण भारत का मिशन है वो क्या है, पढ़ने और लिखने के लिए ही तो सिर्फ ये नहीं किया, ना ही आकृतियों का आरेखन के लिए ही सिर्फ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गणित चिंतन का विकास के लिए निपुण भारत मिशन हुआ है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। एक शिक्षक कहता है गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरसता रखता है। निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने के किस लक्ष्य की ओर शिक्षक संकेत कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। पहला है व्यवहारिक लक्ष्य, दूसरा है सौंदर्य परक लक्ष्य, तीसरा है ज्ञान मीमांसात्मक लक्ष्य, चौथा प्रयोगात्मक लक्ष्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सौंदर्य लक्ष्य, सौंदर्य परक लक्ष्य। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है निश्चित समय सीमा में प्रत्येक विषय पाठ को पूरा करना, दूसरा है प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य और वर्कशीट का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कार्य हमें बच्चों को होमवर्क कभी भी नहीं देना है ना, उसे चिंतन करने के लिए, थिंकिंग करने के लिए बोलना है। तीसरा है विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किस्से, पहेलियाँ और चित्र। बिल्कुल सही है, हमें बच्चों को हमेशा कैसा देना चाहिए जिसमें किस्से हो, पहेलियाँ हो और चित्र हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चौथा क्या है? हल किए हुए विभिन्न उदाहरणों के बाद अभ्यास करना, बिल्कुल नहीं, ये तो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्या हो गया? कुछ मिस्टेक हो गया दोस्तों, रुके, क्या आ गया, चलिए ठीक, क्या है इसका, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 इसका। एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी है जो क्या है, योग पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। यही वाला क्वेश्चन है दोस्तों जो आगे ऊपर में हम लोग देखे थे, है ना। देखिए 4 + 6 + 14 = 4 + 6 + 14 इसी तरह से है, और यहाँ पे उसको क्या किया, उसी को उल्टा लिख दिया है। 6 + 4 + 14 और 10 + 14 = 14 + 10 = 24। तो निम्नलिखित में से योग के किस या फिर किन गुणधर्म, है ना, गुणधर्मों का उपयोग विद्यार्थियों ने समस्या को हल करने में किया? क्या क्या यहाँ पे किया है? यहाँ पे ये किया है, हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये हुआ है ना, क्रम विनिमय जिसे कहते हैं गुणधर्म, है ना, हुआ है, और सहचर्या गुणधर्म, बटन गुणधर्म ये नहीं हुआ है, और ना ही योग प्रतिलोम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ए और सी है ना, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय चिंतन का विकास के जरिए किया जाता है। पहला है बच्चों के साथ गणित खेल खेलने, दूसरा है दिए गए सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करने, तीसरा है श्यामपट्ट पर पढ़ाने लिखने, चौथा है पर्यावरण में चित्रांश बनाने। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, बच्चों के साथ गणित खेल खेलने, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन, है ना, एजर्शन और रीजन दिए गए हैं। तो एजर्शन में क्या है, एक कई विद्यार्थी गणित में क्या है, भय और असफलता का बोध का अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसका कारण क्या है, जेंडर विभिन्नता गणित में भय के लिए उत्तरदायी, जेंडर यहाँ पे लड़का लड़की इसमें तो उत्तरदायी नहीं है, है ना। आजकल देख भी सकते हैं कि मैथ्स में गणित में लड़कियों का ही ज़्यादा आ रहा है ना मार्क्स, तो इसमें जेंडर तो इसमें नहीं है, तो इसका जो ए और ए नंबर है वो सही है और आर जो है इसका रॉन्ग है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला है ए और आर दोनों सही है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही नहीं है, ये भी गलत है ना, दोनों ही गलत है। और क्या तीसरा ए सही है परंतु आर ए की सही कारण नहीं, बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, ए सही है तथा आर ए के लिए सही कारण है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पेडागोजी का। एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्याकरण पर एक समस्या निम्नलिखित रूप से हल करता है। किस तरह से करता है, जो 301 है ना माइनस करता है कितना को, 301 को माइनस करता है 30 को, है ना, माइनस कर रहा है। तो कैसा ये कर रहा है, इस प्रकार से कर रहा है 331 इज इक्वल टू 331। तो ये बच्चा जो हम लोग ऐड करते थे दोस्तों, ये ऐड को मतलब ये माइनस को ये ऐड कर दिया। जैसे कि हम लोग लिखते थे कि 0 + 3 इज इक्वल टू कितना होता है 3, तो इसी तरह से ये भी किया है ना। तो 1 का 1 लिखा है, 3 का 3 और 3 का 3, तो इस तरह से ये ऐड किया है। तो इस प्रकार की त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला देखते हैं, विद्यार्थी कक्षा में लापरवाह है और ध्यान नहीं दे रहा है। लापरवाह तो हमें बच्चों को कभी भी बोलना ही नहीं है ना, लापरवाह में कभी भी नहीं बोलना है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है, विद्यार्थी ने शून्य के योग की अवधारणा का व्याकरण में अति साम्यकरण कर दिया है, बिल्कुल सही है, दोनों में ही क्या कर दिया, साम्यकरण। तो ये थोड़ा सही लग रहा है, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी योग करना नहीं जानता और अतः व्याकरण करने में असमर्थ, योग तो वो कर पा रहा है बिल्कुल सही तरीके से, है ना। चौथा है, विद्यार्थी ने पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया, वैसा कोई बात नहीं है, तो ये तो दोनों रॉन्ग ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय समस्या जो कि खुले सिरे वाली है विकसित करते हैं, क्या क्या विकसित करती हैं, पहला है अभिसारी, दूसरा है सृजनात्मक चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है प्रक्रियात्मक प्रवाह, है ना। तो अभिसारी तो कभी हमारा राइट होता ही नहीं है, तो सृजनात्मक बिल्कुल सही है, अपसारी चिंतन भी बिल्कुल सही है, प्रक्रियात्मक प्रवाह यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी और सी कहाँ पे है, 1 में, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो रहा है और क्रिएटिव थिंकिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। यह सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है कि पहला है, बच्चे को पाठ्य पुस्तक की समस्या को हल करने में आनंद आना चाहिए। दूसरा, बच्चों को गणित पहेलियों को हल करने में आनंद आना चाहिए। तीसरा है, गणित का जीवन भय, उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सकता है। चौथा है, गणित में आकलन आनंददायक हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गणित में जीवन भर का उपयोग और आनंद, है ना, दोनों ही लिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 15, गणित के शिक्षक के शिक्षा शास्त्री विषय वस्तु ज्ञान में सम्मिलित है। पहला, शिक्षण के लिए क्रियाकलाप पर आधारित विधियों का उपयोग करना। दूसरा है, विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं और आकलन युक्तियों का उपयोग करना। तीसरा है भिन्न भिन्न गणित की पुस्तकों का नाम पता करना। नाम पता करने के लिए तो ओनली नहीं है। चौथा है विषय विशिष्ट जानकारी होना। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ए, बी और डी इस तरह राइट आंसर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4 इस तरह। तो आज हम लोग इतना ही, 30 क्वेश्चन आज हम लोग किए दोस्तों। तो आप लोग बताइए कि 30 में आप लोग कितना क्वेश्चन किया ना, कितना आप लोग क्वेश्चन किया, कमेंट करके बताएं, है ना। तो इतना ही आज हम लोग रखते हैं दोस्तों। और जो भी समझ में ना आई हो कमेंट में करके पूछेंगे, जो भी डाउट होगा वो। थैंक यू दोस्तों, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे। थैंक यू।